आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि लड्डू फैक्ट्री के अंदर कैसे तैयार होता है या कैसे बनता है। लड्डू जितना खाने में मिठास देता है, कितना मतलब पसंद करते हैं लोग, लेकिन उसको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत है, बहुत लेबर लगती है। तो उस लेबर को कम करने के लिए सिर्फ 2-3 मशीन की जरूरत पड़ेगी आपको। उनकी सहायता से आप एक नंबर का लड्डू आप बना करके खिला सकते हो अपने कस्टमर को। तो यानी कि अगर आप कोई मिठाई की दुकान चला रहे हो या फिर कोई नया लघु उद्योग करना स्टार्ट करना चाहते हो जिसमें आप सोचो कि भाई होलसेल में किसी को लड्डू सप्लाई कर दो, तो इस तरीके से ये आपका नज़रिया है। मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मशीन के बारे में, आप देखिए कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो। दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों का दोस्त मुकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ युवा बिजनेस आइडियाज़ के एक और नए एपिसोड में। जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे अपील करूँगा कि भाई आप युवा बिजनेस आइडियाज़ को देखा करो, क्योंकि यहाँ आपको मैन्युफैक्चरर होलसेलर जो जेन्युइन सप्लायर है वो सारे आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेंगे। दूसरी बात ये है कि मैं आज अभी राजकोट के अंदर हूँ, जो एक कंपनी है मेगासन, ये लोग कमर्शियल किचन इक्विपमेंट्स बनाते हैं। यानी कि अगर आप कोई कमर्शियल किचन चलाते हैं, कोई रेस्टोरेंट ढाबा वगैरह कुछ चलाते हैं या कोई मंदिर गुरुद्वारा ऐसी कोई संस्था से जुड़े हुए हैं, तो उसमें जितनी भी जो कमर्शियल मशीन चाहिए आपको खाना बनाने के लिए, ज़्यादातर मशीन्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। हर एक मशीन्स यहीं पे बनती है, सारे पार्ट्स यहाँ बनते हैं, तो उसकी वजह से आपको जो कॉस्ट है, कॉस्ट में बहुत आपको एक रीजनेबल जो दाम है वो आपको मिलेगा। दूसरी बात ये भी है कि अगर आप डीलरशिप लेकर के अपना कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो इनके साथ, वो भी कर सकते हो। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं लेकर के चलता हूँ डायरेक्ट डेमो के लिए। जी आज हम लड्डू बनाने का मशीन दिखा रहे हैं। हाँ। वैसे तो छोटा प्लांट लड्डू का, हाँ जी, लड्डू बनाने है ना बहुत मुश्किल काम है। हाँ। लड्डू बांधना बहुत मुश्किल काम है जी जी। तो हमने छोटी सी 3-4 हमारी मशीन है। हाँ। उस हेल्प से आप कितना काम इजी हो सकता है। हाँ। और लड्डू का प्रोडक्शन कितना फटाफट निकलता है, लड्डू हाइजेनिक कैसे रहता है। हाँ। वो थोड़ा आप हम डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। बूंदी का लड्डू है, बेसन का लड्डू है, मोतीचूर का लड्डू है, 3 टाइप का लड्डू कैसे बनता है वो सही पूरा। तो थोड़ा थोड़ा मशीन के बारे में बता दो सर। मशीन तो मेन मशीन तो अपनी ये लड्डू बनाने की यही मेन मशीन है। अच्छा। बाकी 2-3 मशीन ऐसी छोटी मशीन है। हाँ। अभी ये जो मशीन है वो आटा गूंथने की मशीन है। हाँ। और इसमें ये सबसे छोटा मॉडल है 7 किलो का। हाँ जी। इसमें फिर 10 किलो, 15 किलो, 25 किलो, 50 किलो तक हमारे पास है, मगर हम डेमो के लिए खाली 7 किलो का मशीन। ये कितनी मोटर, इसमें कितनी पावर की मोटर? मोटर 1 HP की मोटर है। एक यूनिट मान लू मैं खर्चा है ना सर, पूरा कंटिन्यू चलेगा तो 1 यूनिट। 1 यूनिट ठीक है। अभी नेक्स्ट ये जो रखा हुआ है सर, ये भी थोड़ा बताइए। मिक्सर ग्राइंडर है। हाँ, जार इसका। हाँ, टिल्टिंग 15 लीटर का जार है। हाँ। ये मशीन, इसमें जो आटा रहता है ना बेसन का जी, उसमें मोंड देते हैं, तेल लगाते हैं। हाँ। उसमें एक यूज होगा। हाँ। और फिर उसका जो ढोकला बनते है वो फ्राई करते हैं। ठीक है। और उसका क्रश, उसके बाद उसका क्रशिंग करते हैं। हाँ। तो उसमें भी ये भी लड्डू बनाने के लिए 2 बार इसका यूज। चलो वो डेमो होगा तो समझ में आ जाएगा, डेमो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये लड्डू बांधने की मशीन है, लड्डू बांधने की। ठीक है। इसमें हम लड्डू 1 घंटे में 1500 लड्डू हम बांध सकते हैं। 1500 लड्डू 1 घंटे में? 1 घंटे में 1500 लड्डू कंप्लीट होगा इसमें। क्या बात है सर, बढ़िया। दिखाते हैं हम। हाँ। इसको पहले से कैसे प्रोसेस होता है ये भी बताइए सर। ये भी लड्डू बनाने की बांधने की है। हाँ। ये इसमें 40 ग्राम का लड्डू बनेगा। अच्छा। और इसमें 25 से 30 ग्राम का लड्डू बनेगा। तो ऐसा नहीं कर सकते कि सर इसी में ही दोनों सेटिंग हो जाए, मतलब नहीं, इसी में दोनों सेटअप नहीं होता है। इसके लिए तो आपको 25 ग्राम का, अगर 25-30 ग्राम का लड्डू बनाना है तो ये मशीन की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास 40 ग्राम का लड्डू, 40-35 ग्राम का, तो आपको वो मशीन लगानी पड़ेगी। ठीक है। मतलब उसमें 5 ग्राम इधर उधर होता है खाली, इसके ज्यादा नहीं होता 5 ग्राम। और आएगा सारा एक वजन का लड्डू आएगा ना सर? हाँ, सभी एक बार सेट कर दिया, परफेक्ट एक ही साइज का लड्डू और एकदम गोल गोल लड्डू आपको। चलिए सर, फिर गोल गोल लड्डू खिला भी देना मुझे। बना देंगे, भी देंगे और खिला भी देंगे आपको बढ़िया से। चलिए, और घर पे भी भेज देंगे। मुकेश जी आइए, मैं आपको दिखाता हूँ लड्डू कैसे बनता है जी। तो आज मैं जो लड्डू बनाने जा रहा है जी, वो बेसन के लड्डू बना के दिखाते हैं आपको। ठीक है। हमारे गुजरात में बहुत वो फेमस लड्डू है बेसन का लड्डू, उसको लीसा लड्डू भी बोलते हैं। ओके। तो कैसे बनता है, क्या मशीन में कैसे काम आता है। हाँ। तो पूरा प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है। इसके लिए जो सामग्री है, बेसन है 10 किलो बेसन है। हाँ जी। घी है, दूध है और सिंग तेल है। अच्छा। ये सब सामग्री इसमें और ये यूज होगी और चीनी होगी। ठीक है सर। तो अभी आप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जो बेसन है ना जी, उसमें तेल मिलाना पड़ता है, थोड़ा सा दूध मिलाना, मोण, मतलब हम गुजराती में इसको मोण देना कहते हैं। हाँ जी। चलो सर, डालो। 5 किलो बेसन है, हम इसमें डालते हैं 5 किलो बेसन। हाँ। मिक्सी में डालते हैं।
इसमें हम ऑयल मिक्स करते हैं, इसमें हम आधा लीटर दूध भी ऐड करेंगे। लगभग कितना टाइम देना है सर इसको? इसको 5 मिनट खाली घुमाना। ये हो गया है, इसमें तेल अच्छी तरह से थोड़ा मिक्स हो गया। हाँ, बस ये थोड़ा सा मिक्स ही करना था, बस जरा सा, 1-2 मिनट थोड़ा के लिए। सा और कुछ नहीं है, अभी इसमें है। हम निकाल देंगे। हाँ मुकेश जी, अभी हम इसका ढोकला बनाएंगे जी। उसके लिए पहले बेसन का आटा गूंथना पड़ता है, तो हम ये मशीन में हम आपको आटा गूंथ के दिखाते हैं कैसे होता है। इसका कैपेसिटी 7 किलो है, 7 किलो का है ना? हाँ ठीक है, चलिए। ये हमने जो बेसन तैयार किया था ना मिक्सर हाँ में, हाँ जी हाँ जी, दूध और सिंग तेल और जो लगाया था ना, हाँ हाँ, उसको अभी हम इसका इसमें डाल के भी मशीन स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, और इसमें पानी थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते, एक साथ में नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालने का। ठीक है, और उसका आटा एकदम ढीला भी नहीं करना है, सॉफ्ट भी नहीं, थोड़ा हार्ड रहना चाहिए इसका आटा। ठीक है, मुकेश जी अभी ये आटा तैयार हो गया है। ये आटा है ऐसे हार्ड ही रखना है, उसको सॉफ्ट नहीं रखने का। ठीक है, ये इसको हार्ड ही रखना है, अभी आटा हम निकाल देंगे। ठीक, अभी अपना आटा गूंथ के एकदम अच्छी तरह से तैयार हो गया है जी। वैसे तो ये लड्डू बांधने का मशीन है, मगर एक इसमें इसका ढोकला भी हम इस यही मशीन में बनाएंगे। अच्छा, इसका ढोकला बना जाता है, पर उस ढोकले को तेल में फ्राई करना पड़ता है। हाँ। तो पहले हम सबसे पहले तो आटे का ढोकला ये मशीन में हम कैसे बनाते हैं वो आपको समझाते हैं। चलिए, तो हम ये मशीन में ढोकला बनाना स्टार्ट करता है, करते हैं। आपको ये डिश या चौकी यहाँ पे रख देना है, आटा इसमें डालते जाना है। ठीक है, ये एक ही साइज का सब इसमें मशीन में कटिंग होगा, और इसको ऐसे करना है। ठीक है, ऐसे करना है। हाँ जी, फिर वो उसका फ्राई हो जाएगा। हाँ, सब इसमें से मशीन में निकले वो खाली ऐसे ही करना। ठीक है, ऐसे करके सब करना, ऐसे ढोकला टाइप का हमने बना दिया है जी। अब जी, उसको हम फ्राई करेंगे। ठीक है मुकेश जी, ये फ्राई हो गया है, पूरा भून गया है। उसको ज़्यादा भी नहीं करना है कि एकदम लाल हो जाए, ऐसा भी नहीं करना है। बस थोड़ा एक मध्यम सी आंच लगानी है बस इसको, ऐसा थोड़ा ही करना है। ठीक है, अब इसको हम निकालते हैं। मुकेश जी, अपने ढोकला जो फ्राई किया था ना उसका अब ठंडा होने देना है उसको। हाँ जी, आधा घंटा ठंडा होने के बाद उसका क्रस्ट बनाना है। हाँ, तो ये मिक्सर है। हाँ, ये मिक्सर का हम दोबारा उपयोग करेंगे। ठीक है, इसका हम पूरा एकदम क्रस्ट टाइप का हम बना देंगे। हाँ चलिए, भर दिया है इसमें जी जी, इसका ढक्कन हम बंद करेंगे जी। अभी मिक्सर को हम स्टार्ट करते हैं जी जी जी। देख दिए, ऐसा थोड़ा दर्दरा टाइप का रखना है। हाँ जी हाँ जी, ये मिक्सर का टिल्टिंग सिस्टम वाला है, तो आपको जार निकालना नहीं पड़ेगा। हाँ, ऐसे करके आपको एकदम आसानी होगी इसमें। मुकेश जी, ये क्रॉस होके थोड़ा छाल लेना है उसको। हाँ, तो क्या मोटा मोटा कोई चीज रहेगा तो वो निकल जाएगा। हाँ जी, और उसका दोबारा क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, जैसे अभी इस लड़के ने ये निकाला ना। हाँ जी, ये दोबारा क्रॉस कर लोगे, दोबारा क्रॉस हो जाएगा। ठीक है मुकेश जी, अभी हम इसकी चाशनी बनाते हैं। हमने वो इसका आटा रेडी कर दिया है जी, अभी हम उसकी चाशनी बनाएंगे जी। वो कैसे बनाते हो हम आप दिखाता हूँ जी। चीनी इसमें डाल देते हैं। हाँ, हमने 10 किलो बेसन लिया था सर। 10 किलो बेसन है और 10 किलो चीनी भी 10 किलो है। अच्छा, अभी चीनी पूरी डूब जाए ना, इतना पानी डालना है। चीनी एकदम डूब जानी चाहिए, बस इतना पानी डालेंगे। ठीक है, और अब इसको धीरे धीरे पकाना है। धीरे धीरे पकाएंगे उसको, समझो 15-20 मिनट लगेगा इसमें रेडी होने में। ठीक है, हाँ अभी हम ये चाशनी है ना। हाँ जी, अभी और तैयारी है, बस वो उबाल आ गया है। हाँ जी, और थोड़ी देर 2-5 मिनट और लगेगा बाकी एकदम कंप्लीट होने के। ठीक है, इसमें हम कलर ऐड करेंगे, इसमें लड्डू में कलर के लिए केसरी कलर हम ऐड करेंगे। ठीक है, अब यही मशीन है, अपने जो पहले आटे गूंथा था ना वही मशीन है जी। अभी ये लड्डू का मिक्सर पूरा हम ये मशीन में हम करेंगे। ठीक है, जो हमने जो आटा गूंथा था ना वही मशीन है, मगर कैपेसिटी ज़्यादा है इसका, 15 किलो वाला है। हाँ जी, अभी लड्डू का पूरा मिक्सर हम ये मशीन में रेडी करेंगे। ठीक है, और साथ में मिलाई जाएगी चाशनी। चाशनी, हाँ जी। मुकेश जी, हमारा चाशनी अब रेडी हो गया है। हाँ जी, जो एक तार जो आप बनाना चाह रहे थे सर, मिक्सर बना के। हाँ जी, बताते। ठीक है, ये चाशनी है। हाँ जी, चाशनी आटा और इसमें हम घी ऐड करके उसका लड्डू का मिक्सर तैयार करेंगे। अब हम इसमें देसी घी ऐड करेंगे, एकदम देसी घी है। ठीक है, इसमें हम ऐड कर देंगे। अभी इसको ये हमारा मिक्सर रेडी हो गया है लड्डू का, जी, इसमें चौकी में निकाल देते हैं। हाँ,
मुकेश जी, ये अपना लड्डू का मिक्सर रेडी हो गया है जी सर। अभी ये लड्डू कैसे बनते हैं मशीन में वो हाँ। लास्ट प्रोसेस है, हम आपको डेमो करके दिखा देते हैं जी। एकदम ऐसा दरदरा दानेदार मिक्सर हमने बनाया है हाँ जी, बेसन के लड्डू जी, और जी। टेस्ट में भी बहुत एकदम मस्त लगेगा बिल्कुल। मशीन स्टार्ट करते हैं और इसमें लड्डू बना के आपको दिखाएंगे। चलिए मशीन स्टार्ट कर देना है जी, और ये इसमें हमको डालना है, इसमें थोड़ा थोड़ा दबाना पड़ेगा जी। ये जो लड्डू बनता है एकदम लिस्सा लड्डू, एकदम पॉलिश लड्डू बनता है जी, एकदम फिनिशिंग वाले लड्डू है। हमारे गुजरात में इसको लिस्सा लड्डू बोलते हैं। जी एकदम मस्त लड्डू बन के रेडी हो गया है, एकदम गोल गोल है और एकदम फिनिशिंग वाला पॉलिश लड्डू है, लासा लिसा लड्डू, हमारे गुजराती में इसको लिसा लड्डू बोलते हैं। और इसका टेस्ट भी इतना बढ़िया आएगा, आप टेस्ट करके हमको फोन करके आराम से बताएंगे कैसा लड्डू है। तो मुकेश जी अभी हम इसमें मोतीचूर के लड्डू बना के दिखाते हैं आपको, ठीक है। ये मोतीचूर का पूरा मसाला हमने पहले से ही कंप्लीट रखा है, उसमें काजू किशमिश सब ऐड करके एकदम कंप्लीट रखा है, ठीक है। तो इसका डेमो करके हम दिखाएंगे कैसे मोतीचूर के लड्डू कैसे बनते हैं वो आपको हम दिखाते हैं मशीन स्टार्ट करके। हाँ जी, कोई मसाला इसमें डालने का है? मेन चीज है सर जो लड्डू बांधने में जो लेबर लगती है, जो मेहनत लगती है, है ना, मेन चीज है ये। बात क्या है, यह मशीन में जो लड्डू बनते हैं पूरे एक ही साइज के, एक ही साइज वजन के बनते हैं और एकदम गोल गोल लड्डू जैसे बनते हैं। मुकेश जी अभी ये लड्डू अपना कंप्लीट हो गया है जी सर। तो ये लड्डू ऐसा है कि अभी ये बॉक्स है, बॉक्स में सब पैकिंग करेंगे हाँ। पैकिंग करके आप मिठाई की दुकान में कभी कहाँ कहीं पे भी आप सेल कर सकते हैं इसको। जी 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 जी। अभी हम ये बूंदी का लड्डू कैसे बनता है मशीन में वो आपको दिखाते हैं जी। ये बूंदी का मसाला भी हमने पहले से रेडी ही रखा है हाँ जी। तो उसका लड्डू खाली कैसे बनता है वो प्रोसेस हम आपको दिखाते हैं हाँ जी। तो आइए देखते हैं। इसको थोड़ा थोड़ा इसको बूंदी को दबाना पड़ेगा हाँ जी। बूंदी का लड्डू बनाना है ना बहुत मुश्किल काम है जी जी जी। अभी ये बूंदी का लड्डू एकदम कंप्लीट हो गया है, अभी इसमें हम डब्बे में भर के पैक कर देंगे हाँ जी। बूंदी का लड्डू देखे कैसा एकदम गोल बना है। बिल्कुल सर, जैसे अभी हमने मोतीचूर वाला खाया हाँ, सेम वैसे ही। अभी बनाना बहुत मुश्किल काम है बूंदी का लड्डू, ऐसा बहुत मेहनत लगती है सर इसमें। घंटे में 1500 लड्डू बन सकता है आराम से, 1500 कम से कम मैं बता रहा हूँ, उससे ज्यादा भी बन सकता है। और इसमें दो ही लोग रहेंगे तो 1500 लड्डू एक घंटे में बना सकते हैं। लाजवाब मशीन है सर, बहुत बढ़िया। और मैं दोबारा से दिखाना चाहूँगा, आप इसकी गोलाई देखिए लड्डू की, तो बढ़िया से गोलाई है। और आप इस तरीके से जैसे अभी सर ने बताया, आप मिठाई की दुकान चलाते हैं तो आपके बहुत काम की ये मशीन है। वैसे हमने सभी प्रकार के लड्डू का प्रोसेस कैसा था, पूरा लड्डू बना के आपको मशीन कैसे यूज करते हैं, काम करते हैं, पूरा सब
दिखा दिया है, बेसन का लड्डू है, मोतीचूर का लड्डू है, बूंदी का लड्डू है जी। लड्डू का बिजनेस कोई करना चाहता है तो नमकीन का बिजनेस कई लोग करते हैं जी, मगर दो तीन मशीन आपको ऐड करके आप उसके साथ लड्डू का बिजनेस भी कर सकते हैं जी जी, होलसेल में सप्लाई कर सकते हैं, होलसेल में सप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको मशीन अच्छी लगती है तो कमेंट करके जरूर बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में। और रेट के अलावा बाकी सारी चीजें हमने बताई दी है, और सिंपली जो स्क्रीन पे नंबर देख रहे हो उस पे कॉल करके जो सर का स्टाफ है वो आपको प्रॉपर हेल्प करेगा पूरी डिटेल देने में। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, आपसे फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी दमदार किसी मैन्युफैक्चरर के साथ या किसी होलसेलर के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। आपने जो वीडियो में देखा उसके अलावा हम बहुत सारे मशीनरी बना रहे हैं, तो ये देखिए कमर्शियल मिक्सर है, ग्रेव मशीन है, टू इन वन ब्लोवलाइजर है, आटे की मशीन है, फूड से सब रिलेटेड सब मशीन हम बना रहे हैं। यहाँ पे हमारा खुद का ही मैन्युफैक्चर है, सब कुछ यहाँ भी यहाँ ही बनता है। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि हम पूरे मशीन का पूरा प्लांट हमारा खुद का ही मैन्युफैक्चरिंग है, वो मैंने आपको पूरा प्लांट आपको दिखा दिया है। और अपनी हम पार्ट्स की और मशीन की क्वालिटी में इतना ध्यान रखते हैं कि हमारा कस्टमर कभी भी परेशान ना हो और हमारा मशीन यूज़ करके कस्टमर अच्छे से अच्छा मुनाफा कमाए और अच्छा उसका बिजनेस चले, हमारा विज़न ही यही है। और आपको किसी भी फूड लाइन की किसी भी मशीन की कभी भी ज़रूरत है तो ये वीडियो पे हमारा नंबर डाला हुआ है, तो कभी भी आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।